अरे तुम क्या इंसान हो? इंसान नहीं तुम राक्षस हो। अरे इंसान के नाम पर कलंक हो। हे, जरा वहां से डिक्शनरी लेकर आ। पता नहीं क्या पढ़ते हो और इंग्लिश डिक्शनरी मांगते हो। अरे जाकर लेकर आना। ये लो। भाड़ा भर देना। बाप रे कितने पैसे छुपाए हैं इसने। भाई एक बात पूछता हूँ, बुरा मत मानना। जब देखो पी करके बुक पढ़ते रहते हो तो कमाई कब करते हो? तुमसे पूछ पूछ कर हार गया हूँ मैं। अरे अब तो बता दे काम क्या करता है। तुझे उससे क्या करना है? देख जो बैठकर पैसा कमाता है वो या तो चोरी से कमाता है या तो फिर धोखे से कमाता है। और तीसरा क्या हो सकता है? धोखेबाजी करके भाड़े के अपार्टमेंट में हो, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है तुम्हारे ऊपर। यू आर करेक्ट बट 50-50। मतलब वो बस चोरी करने वाला जैसा ही है। हेलो, तुम्हें क्या एडवेंचर बहुत पसंद है जो तुम ऐसा कर रहे हो?
वो सब छोड़ो, तुम तो चोर ही हो और मैं हूँ आईटी प्रोफेशनल। तुमने मुझे अपने पास क्यों रखा हुआ है? किसी बैंक में चोरी करने के लिए या कोई डेटा हैक करने के लिए तो नहीं? सर मैंने टू लेट का बोर्ड देख लिया है, लेकिन एडवांस दे करके ये घर लेने का मन नहीं हो रहा है सर। अच्छा बकरा मिल गया। वैसे खर्चा पानी चलाने के लिए मैं कुछ काम धाम तो करता नहीं, और घर का भाड़ा भरने के लिए यही काम सही रहेगा। क्यों ना इसे अपने घर पर लेकर चलूं? बोल ना भाई। टाइम आएगा तो तू खुद समझ जाएगा। ठीक है भाई। क्या काम करते हो? पूछते पूछते 3 महीने हो गए, अब कब बताओगे ये तो भगवान ही जानते होंगे। ठीक है, रात को मसाले वाली इंग्लिश फिल्म देखनी है, डाउनलोड करके रख लेना। परसों चाइनीज, कल स्पैनिश और आज इंग्लिश मूवी। ओके ओके ठीक है, ऑफिस जाकर के आता हूँ मैं। ये क्या है? करला अमावस्या। ओके देखता हूं। हर साल भीमना अमावस्या पे डॉक्टर राजकुमार की याद आ जाती है, क्योंकि ऐसे ही एक भीमना अमावस्या की रात को डॉक्टर राजकुमार को मशहूर गैंगस्टर वीरप्पन ने किडनैप किया था। तो आइए अब हम देखते हैं कि उस काली रात को क्या हुआ था और डॉक्टर राजकुमार ने किस तरह उनका सामना किया था। तो एक बार फिर हम उस घटना को आपके सामने दोहराकर दिखाते हैं। 16 साल पहले डॉक्टर राजकुमार को वीरप्पन ने रिलीज किया था। माना जाता है कि वीरप्पन ने डॉक्टर राजकुमार से भारी रैंसम की मांग की थी। डॉक्टर राजकुमार ने उसे 40 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर वीरप्पन ने उन्हें रिलीज किया था। पूरे राज्य की पुलिस डिपार्टमेंट इस गैंगस्टर के पीछे पड़ गई। कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस का वो टारगेट बन गया था। पुलिस ने वीरप्पन पर अटैक भी किया, पर वो जंगल में भाग गया और बच गया, लेकिन 39 करोड़ को वो खर्च नहीं कर पाया। इस घटना के 4 साल बाद वीरप्पन का एनकाउंटर हुआ। उसे मारने वाले पुलिस ऑफिसर और गांव वालों ने वो पैसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आज तक वो पैसे नहीं मिले हैं। हालांकि कोशिश अब भी जारी है। यस। क्यों भाई आज ड्यूटी नहीं गए क्या? आज तो ड्यूटी बुक स्टोर में थी क्या? क्या बात है, लक्ष्मी को छोड़कर सरस्वती के पीछे पड़ गए? वहाँ सीसीटीवी कैमरा है ना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बुक वहाँ से चोरी क्यों की? चुप हो जाता हूँ भाई, जा रहा हूँ फ्रेश होने। और बॉस मैं आ गया, फिल्म देखते हैं। वैसे भी आज वीकेंड है। थोड़ा ज्यादा पानी डालकर पीऊंगा भाई, बहुत जल्दी चढ़ जाती है। वीरप्पन पर अटैक हुआ है ऐसा न्यूज में आया है सर। क्या कहा? ऐसा पूरे गांव वाले कह रहे हैं सर। ऐसा है क्या? वो लोग अपने आप को सरकारी ऑफिसर समझते हैं? हैं? खाकी वर्दी अगर पहन ली तो क्या हुआ? इतना कम पानी डालता है तू। वो पुलिस वाले हो गए क्या? तेरे गले में जलन नहीं होती है क्या? असली मर्द नीट पीता है। जेंटलमैन ड्रिंक्स डाइल्यूटेड। ठीक है ठीक है, बुरा मत मानना। वैसे तेरा चेहरा देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दारू पीने के बाद देखने में अजीब सा लगता है। खैर छोड़, मैंने तुझसे कुछ पूछा था, तूने जवाब नहीं दिया। तू चोर है ना? ठीक है थीफ, और मैं टेक। फिर भी हम दोनों एक साथ हैं, जैसे दूध और पानी एक साथ हो जाते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ ना, टाइम पर पता चल जाएगा। राइट राइट।
समय हो गया देख भाई, अभी तो बोला भाई, अरे समय कब आएगा, वो तो आता जाता रहता है, इसके लिए टाइम बड़ा भगवान है, तुम तो जानते हो। Nobody, good night, sleep well, sleep well. Hey, चलो अरे उठना। अरे तुम हो क्या, मुझे लगा दूध वाला है, लेकिन तू तो चोर निकला। सुबह सुबह जगा दिया इसने। क्या पूछो इससे, कुछ वर्कआउट ही नहीं होता है। क्या बात है, सुबह सुबह ब्लेड पकड़ के बैठा है, कोई नया काम शुरू किया है क्या, वो भी चोरी की तरह है। तू और दूसरा सोचेगा ही क्या, चोरी करने के बहुत सारे तरीके हैं तेरे पास। हैं बाहर पोस्ट बॉक्स में लेटर्स पड़े हैं, जा जाकर लेकर आ, जल्दी जा। अरे तो मेरे बैठने से पहले बोलना था ना, वीकेंड में काम क्यों करते हो यार, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे लीडर बन गए हो। चिट्ठी आई है, इसमें क्या चिट्ठी है, लेटर ओपन कर। ईमेल के जमाने में इस मेल को, ये कौन सा मेल आया है जरा देखते हैं, कहीं किसी फीमेल का तो नहीं है। लेटर ओपन करने के लिए कहा, बकवास करने के लिए नहीं कहा। ये ले, तू ही खोल के पढ़ ले। तूने मुझे बताया नहीं ये स्क्रैच क्यों कर रहा है? हेरोइन के बारे में पता है? अरे गांजा ना, मेरे दोस्त लोग बात करते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया वैसे। कभी ट्राई करना भी मत, 10 ग्राम के लिए तेरे महीने की सैलरी जाएगी। भैया ऐसा बवाल नहीं चाहिए, ईमानदारी से जीऊंगा, गर्ल्स हॉस्टल के सामने भजिया पाव बेच लूंगा वो चलेगा। अच्छा ठीक है, एक बार जाकर आ। अच्छा ये बता अभी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? हेरोइन देने जाना है, पार्टी आ रही है, सिर्फ देकर आना है। रेडी हो जाकर आते हैं। ओके। ओहो मस्त, ब्लैक एंड ब्लैक सूट, मस्त कार, आजू बाजू बॉडी गार्ड्स, हाथ में AK-47 और खाली जमीन। हम कार लेकर जाएंगे, अंदाजा लगाओ कितना मजा आएगा। अरे जल्दी चला भाई, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट, मजा आएगा भाई मजा आएगा, चलते रहो चलते रहो। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती यार, ना अपने पसंद का खाना खा सकती हूँ, ना पसंद के कपड़े पहन सकती हूँ, और कार वो तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें पैदा होता ही सब मिल जाता है, इन सब की बस एक ही वजह है और वो है पैसा। पैसे के बिना ना ये जिंदगी एकदम बेकार है। तेरी सोच गलत है, अपना भी टाइम आएगा, सब्र कर, थोड़ा समय लगता है। पागल है क्या तू, ये जर्नलिस्ट का काम करके हम इतने पैसे कभी कमा ही नहीं पाएंगे, एक गाड़ी तो हम कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ठीक है ठीक है। चल निकलते हैं। खाना वाना तो हो गया, जिस काम से आए हैं वो हो गया? हाँ हो गया, क्या बात है, ये बैठे बैठे तूने डील कर लिया, कमाल है यार। भाई तू मामूली आदमी नहीं है, तेरे से बहुत बच कर रहना पड़ेगा मुझे। अच्छा देख अभी मुझे कुछ काम है तो घर जा, शाम को मिलते हैं। आई लाइक योर एटीट्यूड, अगर ऐसे ही रहेगा बहुत तरक्की करेगा तू, चल मिलते हैं।
हे, ये देख तो, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। नाइस। एक्सक्यूज मी, ये ट्राई करने देंगे? कितने का है ये? 10,000 मैडम। पर इस पर टैग तो 4999 का लगा हुआ है। एक्चुअली मैडम, स्टाफ की गलती है, नए लोग हैं ना, इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? सॉरी मैडम, आपके बजट की इस तरफ है, आप चाहें तो देख लें। यही मैं तुझे बोल रही थी, अगर पैसे होते ना तो इसे अभी ले लेती। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ले लो। हेलो हेलो, कौन है आप? ओए, अरे रुको रुको। थैंक यू। हेलो, हे, तुमने मेरे लिए क्यों पे किया? कौन हो तुम? ए, कौन है वो? पता नहीं यार कौन था। मेरे साथ ड्रामा मत करो, कैसे जानती हूँ बताओ। अरे मुझे। नहीं यार, ये देख, एड्रेस और फोन नंबर देकर गया है। वो कौन है ये पता करने के लिए? बस इतना ही? अरे यार सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। तुमने ये बिजनेस कब से शुरू किया? पार्टनर, एक बात बताता हूँ, सुन लो। लड़की के मामले में लोगों के साथ मत खेलना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे नेक्स्ट डील के लिए उसकी जरूरत है। वो लड़की जर्नलिस्ट है, पता है आपको? तो क्या हुआ, हेरोइन के डील में मुझे कमीशन कुछ नहीं मिला क्या? भाई आपको मेरे डील के बारे में पता है ना, मैं आपको करोड़ों रुपए देना चाह रहा हूँ और आप है कि सिर्फ हजारों की सोच रहे हैं। क्या करूँ भाई, तुम करोड़ों की बात कर रहे हो, मुझे तो वो सब चलेगा, लेकिन जो ऑफिसर आ रहा है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे तो उसे देखते ही डर लगता है। डरो मत भाई, चोरी की भी तो पकड़े नहीं जाएंगे, अगर किसी की बेनामी संपत्ति से थोड़ा बहुत हमने ले भी लिया तो क्या प्रॉब्लम है? तुम ब्लैक मनी पर डील तो नहीं किए हो ना भाई? अरे रे, ऐसा कुछ नहीं है, चलो सब बताता हूँ। मैंने यूट्यूब में एक न्यूज सुना था कि वीरप्पन ने 40 करोड़ डॉक्टर राजकुमार को छोड़ने के लिए लिया था, और वो पैसे उसने अभी तक खर्च नहीं किए हैं, उसे कहीं जंगल में छुपा के रखा है। अगर हमने वो पैसा ढूंढ लिया तो अपनी लाइफ फुल सेट। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है पार्टनर, मेरे डिपार्टमेंट ने भी उसे सभी जगह ढूंढा, फिर भी करीब 1.5 करोड़ तक ही मिला। ओ, ये सब आपको कैसे पता है भाई? वीरप्पन को पकड़ने के लिए जो टास्क टीम गई थी उसमें मैं भी था। वाओ, सुपर भाई, तो फिर आप क्यों नहीं आकर मेरी हेल्प करते हो? अरे नहीं, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, और मेरा जो बॉस है वो मुझे कभी छुट्टी नहीं देगा। मैं तुम्हारे काम के लिए तुम्हारे साथ अपने 2 आदमी भेजूंगा, उनसे तुम्हारी पहचान करवा दूंगा। वो दोनों डिपार्टमेंट में रागी स्क्वाड का काम करते थे, वो लोग वीरप्पन के बारे में इन्फॉर्मर के रूप में काम करते थे, वो लोग तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तुम्हें क्या लगता है वो पैसे तुम ढूंढ पाओगे? अगर वीरप्पन को ढूंढ लिया तो? इसका क्या मामला है? इंटरनेट हैरेसमेंट सर। क्या किया है इसने? वीडियो बनाकर पब्लिक को बरगला रहा है सर। ये फेसबुक बनाने वाला भी ना। आप एक बार बोलो तो अभी उसे सबक सिखाता हूँ मैं। सर, आपने मुझे बुलाया सर? ये क्या हो रहा है राजू, तुम्हारे ऊपर तो क्रिमिनल से भी ज्यादा कंप्लेंट है। मैंने सुना था कि तुम बहुत ईमानदार ऑफिसर हो। ऐसा कैसे हो सकता है सर, आप जैसे कड़क ऑफिसर के रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। बहाना मत मारो, अगर मैंने कभी रेड हैंडेड पकड़ लिया ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। सर वो क्या है कि अब क्या हुआ? मुझे 15 दिनों की छुट्टी चाहिए सर, सिर्फ 15 दिनों की। इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी, पहले एप्लीकेशन लिख कर दो, उसके बाद मैं सोचूंगा। ठीक है सर। तू चाहे कुछ भी सोच या फिर तू मुझे सस्पेंड ही कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा है? वास्तु के हिसाब से प्लान कर रहा है क्या? ओ हो, मैप, गन, कंपास, वाह 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 वाह, एडवेंचर फिल्म की तरह कुछ करने वाला है क्या? फॉरेस्ट में मेरी एक डील होने वाली है, जिस दिन तूने हीरोइन डील के बारे में अंदाजा लगाया था ये वैसा ही होगा। इसमें 10 दिन लगेगा, बहुत रोमांचक होगा, आएगा क्या? तू ही हमेशा कहता रहता था तुझे ट्रैकिंग या एडवेंचर ट्रिप पर जाना है, मैं वहां अपना काम करता रहूंगा,
तू अपने मजे लेना, क्या बोलता है? नो वे, वो भी तेरे साथ, एक नंबर का क्रिमिनल है तू। कोई बात नहीं, वैसे बता दूं वो लड़कियां भी मेरे साथ आ रही हैं। क्या लड़कियां? जरा दिखा दो। वाह, अगर तू मुझे मना करेगा ना तो भी तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगा। तू सही में जा रहा है क्या? मैं तेरे जैसा मजाक नहीं करता। अरे भाई माफ कर दे, मैं तो जोकर हूँ, लेकिन तू मुझे अपने कामों में इन्वॉल्व नहीं करेगा, ऐसा मुझे प्रॉमिस कर। तू अपना चेहरा देख पहले, मैंने कभी भी अपने कामों में तुझे इन्वॉल्व किया है क्या बेवकूफ? प्रॉमिस करेगा तो ही आऊंगा। देख, मैं कोई प्रॉमिस तो नहीं करूंगा, तू नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, तुझे आना है तो आ, नहीं तो मत आ, ये तेरा फैसला है। प्रॉमिस करेगा तो गारंटेड आऊंगा। ठीक है, ओके प्रॉमिस, लेकिन मुझे तेरी फालतू की बकवास नहीं चाहिए। तुझे गन चाहिए थी ना? ओके भाई, इसमें है, ले ले। हेलो भाई। बोलो पार्टनर। मुझे एक कार चाहिए थी। किस लिए? वही मैंने आपको बताया था ना, उसी प्लान के लिए। कल सुबह गैरेज में आ जाना, वही बात करते हैं, ठीक है? ओके भाई। भाई मेरा पासपोर्ट रेडी हो गया क्या? पार्टनर तुम्हारा काम पूरा होने से पहले वो रेडी हो जाएगा, चिंता मत करो। वैसे पार्टनर तुम्हारा कॉन्फिडेंस तारीफ करने के लायक है, बच्चा पैदा होने से पहले ही लग रहा है स्कूल एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, मुझे ऐसा नहीं करना है, पैसा मिलते ही मैं अलेक्जेंडर के जैसा जिंदगी जीना शुरू कर दूंगा। उसके बाद मेरा क्या होगा? जितने दिनों तक काम करना, ईमानदारी के साथ करना। अरे बस कर पार्टनर। ओनर ने तो 9 लाख कहा था, लेकिन अगर हम बैठ के बात करेंगे तो गाड़ी 7.5 लाख में मिल जाएगी। गाड़ी तो ठीक है ना भाई? गाड़ी तो ठीक है, लेकिन ये नहीं, वो देखो, फिर इसे रिपेयर करवा लेते हैं, मेरे पास रखने की जगह नहीं है। क्या भाई आज ड्यूटी नहीं गए क्या? छुट्टी मांगी तो लेटर देने के लिए बोल रहा था, ताना शाह की तरह बात कर रहा था, इसीलिए छोड़कर आ गया। तो आपका सब नंबर वर्कआउट कर रहा है? क्यों मजाक कर रहे हो? देखो पार्टनर, देखना एक ना एक दिन मेरी भविष्यवाणी सही हो जाएगी। भाई जरा बाजू में रोकना। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम मुझे मिलने वाले थे ना? ओह शिट, सॉरी, वो आज मैं तुमसे मिलने वाला था, पर क्या बताऊँ, मैं आज टाउन में नहीं हूँ, मुंबई वापस आते ही तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? हेलो, मैं यहाँ आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, तुम कॉल भी नहीं उठा रहे थे, दिस इज टू बैड, ओके? हेलो, समझने की कोशिश करो, कहा ना तुम्हें फोन करूंगा। ओके ओके, अगली बार मैं जगह फिक्स करूंगी और तुम्हें वहां आना होगा। क्या पार्टनर, धीरे धीरे तुम कहानी आगे बढ़ा रहे हो, मतलब वही लड़की है ना? समझा करो कमल भाई, हमारी टीम में उसका भी एक खास रोल है। कैसा रोल, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उस लड़की का नाम क्या है? सुगुना। ये क्या पार्टनर, उस लड़की के नाम का नंबर और तुम्हारे नाम का नंबर सेट नहीं हो रहा है, आगे जो भी होगा वो भगवान देख लेंगे। अरे भाई सुनो, महादेव जी का घर कहाँ है बताओगे? उनका लड़का वहाँ है, साथ में ले जाइए। कौन, कहीं वो तो नहीं जो हमेशा जंगल में घूमते रहता है? हाँ। ए लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? नारायण सर। तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये नाम है। वो क्या है कि बड़ी छोटी उम्र में मेरे पापा गुजर गए थे सर।
तब चार लोगों ने मुझसे ये कहा था कि धर्म बदल लो तो पैसे मिलेंगे। घर चलाना मुश्किल था इसीलिए धर्म बदल लिया सर। मेरा नाम जेम्स नारायण है और माँ का नाम देवी। उन्हीं पैसों से ये गाय खरीद कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं सर। आप पुलिस वाले हो क्या? यहाँ कैसे सर? मेरे पापा से मिलने आए क्या? उन्हें तो गुजरे 4 साल हो गए सर। अगर कोई काम है तो मुझसे बताइए, मैं आ जाऊंगा सर। ऐसा कुछ नहीं है सर, वीरप्पन के बारे में किताब लिखना चाहते हैं। तू उनके साथ ही रहता था ना, वो जहाँ जहाँ घूमता था वो सारी जगह तुम सर को दिखा देना, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। लेकिन सर मैं अपनी इस गाय को चराना छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकता हूँ सर? ठीक है सर, आ जाओ। तुम अपना फोन नंबर दे दो, सर एक हफ्ते के बाद तुमसे मिलने आएंगे। ये जहाँ भी कहेंगे वहाँ से इन्हें लेकर आ जाना, अभी हम जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन छाछ पीकर जाइए, एकदम ताजा है सर, अभी पिलाता हूँ। इन द गॉड ऑफ नेम। इन द गॉड ऑफ नेम नहीं, इन द नेम ऑफ गॉड। ऐसा है क्या? पर फादर ने तो ऐसे ही सिखाया था। पार्टनर, तुम्हें कैसे पता चला कि उसे पैसे चाहिए? पैसे के लिए तो लोग धर्म भी बदल देते हैं। वह यही मिलेगा पार्टनर। नमस्ते सर। ए सलवा, नीचे आ जा। आता हूँ सर। क्या सर, गाड़ी लेकर इधर आ गए? ये कौन है, इन्हें जानता नहीं? कौन ये? ये अमर है, शहर से आए हैं और ये इस जंगल में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन्हें परमिशन भी दे दिया है। ठीक है सर, मुझे भी वैसे कुछ काम है। तुम इस जंगल के हर एक कोना को बहुत अच्छी तरह जानते हो। इन्हें इस जंगल में वीरप्पन जहाँ जहाँ रहता था वो सारी जगह दिखा देना। इनका काम पूरा होने तक तुम इनके साथ ही रहना। ठीक है सर। ये लो, तुम अपना फोन नंबर दे दो, जगह फिक्स करके ये तुम्हें कॉल कर देंगे। ठीक है सर। आप भी थोड़ा सा शहद ले लो। क्या है सर, ये और शहर के जैसा गुड़ नहीं है सर, पानी वानी नहीं है, एकदम शुद्ध शहद है। ठीक है, हम चलते हैं। संभाल कर सर। ए सुगु, उस हैंडसम बॉय से मिली कि नहीं? तुझे पता है उसने क्या किया? आधा घंटा वेट कराया और फिर बोला कि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। इडियट। कूल कूल बेबी, वो तेरे साथ कोई खेल खेलना चाहता है। तुझे पता है मुझे ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं। चुप रह, कुछ भी बोलती है। अंदर से खुश बाहर से गुस्सा। भाई काउबॉय का ड्रेस दिखाओ। हाँ दिखाता हूँ, ये लीजिए, एकदम बढ़िया है। ये क्या है, पैंट है या नाइटी है इतना लंबा? मैंने पैंट तो आप ही के साइज का दिखाया है, बाकी आपकी मर्जी, कहो तो दूसरा दिखा देता हूँ। ठीक है जूते दिखाओ। ठीक है दिखाता हूँ, ये पैक कर दूँ? हाँ पैक कर दो। पनौती कहीं का पता नहीं कैसे दुकान चला रहा है। हैं? ओ ड्यूटी से आ गया भाई, कुछ वर्कआउट हुआ क्या? पता नहीं क्या उल्टा सीधा काम करता रहता है, मुंह से बोली निकलती नहीं। सिल्वा जेम्स नारायण का हो गया। ओ सुगना को कॉल करना ही भूल गया। हेलो। हेलो, मैं मुंबई पहुंच गया हूँ, कब मिलने आऊँ? लोकेशन शेयर करती हूँ, 4 बजे आ जाना। ठीक है। ओके। हाय सुगुना। तुम्हें मेरा नाम भी पता है? नाम सुगुना, जर्नलिज्म की डिग्री ली है मैसूर यूनिवर्सिटी से, फिलहाल जर्नलिज्म की ट्रेनिंग कर रही हो। साथ में हमेशा एक दोस्त रहती है, उसका नाम है भावना, घर सांता क्रूज ईस्ट। अरे बाप रे, अब बस करो, मुझे तो लग रहा है एक स्पाई से बात कर रही हूँ। अच्छा तुमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। अमर, वेरी एम्बिशियस अमर। कूल। ओके, तो तुम करते क्या हो? आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ थोड़ा डिटेल में बताओ ना। ठीक है डिटेल में बताता हूँ। 500 साल पहले अलेमेलेमा नाम की एक औरत थी, उसे अपने राजा से कुछ प्रॉब्लम थी।
उसकी वजह से उसने भगवान रंगनाथ के गहने पहनकर मलिंग शॉप से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मुझे ये सारी जानकारी इतिहास की खोज करने से मिली और इस वक्त मैं उस खजाने को ढूंढ रहा हूँ। Are you crazy? 500 साल पहले के खजाने को तुम ढूंढ पाओगे क्या? मैं ऑलरेडी लैब में टेस्ट कर चुका हूँ और ये साबित हो गया है कि ये चूड़ी 500 साल पुरानी है। इस एक चूड़ी की कीमत लगभग 2 लाख रुपए की है। ये 2 लाख का है? That's okay. लेकिन मुझे क्या करना होगा इसमें? देखो, मैं ये सारा खजाना ढूंढने के बाद ये सब कुछ भारत सरकार को तो नहीं देने वाला, और हमें ये काम सबसे छुपा के करना होगा। अगर खजाना मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो तुम्हारे आर्टिकल के लिए एक अच्छा कंटेंट होगा और मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा। और आए हुए पैसों से हम जो चाहें वो खरीद सकते हैं, अपनी मर्जी से जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। चॉइस इज योर्स। हेलो, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती। आई एम नॉट कमिंग। तुम खुद ही हर चीज डिसाइड नहीं कर सकते। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल। तुम पक्का हो? इडियट। यस। छुट्टी मिल गई भाई, चेकिंग के लिए जा रहा हूं। हेलो सर, कैसी है मैडम? निकल रहा हूं मैं। पार्टनर, लेट नहीं करना होगा, सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। शाम होने से पहले हमें वहां पहुंचना है। ओके। हेलो। हेलो, मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूं। मंडे 19 जुलाई सुबह 10 बजे मेरे घर के सामने कार रेडी रहेगी। लोकेशन शेयर करता हूँ। हेलो, सुनो। पार्टनर, लड़कियाँ नींबू दिखाकर उसे मौसमी कहती हैं। मुझे उस पर भरोसा नहीं हो रहा। भाई वो सब छोड़ो, कार रेडी हुई कि नहीं चेक करो। हेलो, 19 तारीख को हम लोग जाने वाले हैं, 18 तारीख तक गाड़ी तैयार हो जानी चाहिए। ठीक है। चिकन मस्त है, एकदम गरम, और दूसरी तरफ एकदम ठंडी बिया, बीच में मैं, मजा आ जाएगा भाई। पार्टनर, ये भी अपने साथ आने वाला है? ऑफ कोर्स। तो फिर अपना काम बन गया। ठीक है, इसका क्या नाम है? जगन्नाथ कामता कुमार। हमें भी इसका नाम लेने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए शॉर्ट में हम जैकी बुलाते हैं। जानते हो, हम सब में से इसका नंबर बहुत ही लकी है। मुझे लग रहा है इसी की वजह से हमारी जीत होगी पार्टनर। राज्य की प्रमुख नदी कावेरी का पानी अब 2 राज्यों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला 4 न्यायाधीश एक्सक्यूज मी सर स्पेशल बेंच ने दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। गुड मॉर्निंग सर, वो एक्चुअली मुझे तुम्हारे एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं। कावेरी इशू 2 राज्यों के बीच का मसला हो गया है। मैंने तुमसे एक डिटेल आर्टिकल मांगा था, वो तुमने नहीं दिया। कल सुबह तक आर्टिकल रेडी हो जाना चाहिए, नहीं तो इंटर्नशिप कैंसिल कर दूंगा। यू कैन लीव नाउ। ओके सर। ड्रेस मस्त है ना? हे, ये ड्रेस में तू बंदर लग रहा है, जा चेंज कर। क्या सेंस नहीं है इसका। पार्टनर, मैंने कहा था ना, वो लड़की नहीं आएगी। तुम्हारा नंबर और उसका नंबर एक दूसरे के खिलाफ है। ओ, आ जाओ। मैंने 10 बजे बोला था, अभी 10:05 हो गया है। ये ड्रेस कैसी है? ए, इधर आ। उस बैग में जो सामान है उसे इस बैग में शिफ्ट कर दे। ठीक है, ठीक है। अरे वाह, मुझे जरूरत पड़ेगी तो जंगल में इसे मांग सकता हूं।
मैडम, इस ब्रेड में 3-4 लोग खा सकते हैं ना? लगता है अकेली खाएगी। हे, चुपचाप काम कर। ठीक है, करता हूँ भाई, यू स्टे फ्री। और तुम ऐसे क्या तैयार होकर आई हो? हम लोग घने जंगलों में जा रहे हैं, घूमने के लिए बैंकॉक नहीं। लेकिन तुम तो कह रही थी कि नहीं आओगी। मैं तो नहीं आने वाली थी, लेकिन मुझे बताना क्या हुआ? अरे यार, तो मेरी जगह होती ना तो उसके साथ भाग गई होती। वो तो सही है, मैं तो उसके फर्स्ट एंट्री में ही फिदा हो गई। तुझे नहीं आना है तो मुझे बता दे, मैं किसी और फ्रेंड को लेके चली जाऊंगी। अरे यार, पर एक अजनबी के साथ कोई कैसे जा सकता है? ओहो, कौन सा अरबपति या पॉलिटिशियन की बेटी हो कि किडनैप कर लेगा? उस दिन देखा ना कितना पैसा खर्चा किया उसने, क्यों शक कर दी हो? तुझे लगता है उसके साथ जाना सेफ होगा? वैसे देखा जाए तुम्हारी और उसकी मेंटेलिटी एक जैसी है। ओ नो, पर मैंने उसे कॉल करके कहा था मैं नहीं आऊंगी। शह, नहीं आऊंगी ये तुमने कहा था, उसने तो नहीं कहा था ना, तुम्हें भगा नहीं ले जाएगा, इसलिए मैं आई। भाई, जो भी फोन कॉल्स करने हैं वो अभी कर लो, हम फोन साथ में नहीं ले जाएंगे। यहाँ रेस्ट रूम है क्या? आइए, मैं दिखाता हूँ, फील फ्री। अच्छा सुन, तू सीधे चौराहे पर आ जा, हम फोन साथ में नहीं ला रहे हैं, ठीक है ना? ओके। सेफर साइड में मैं एक और फोन रख लेती हूँ। अच्छा सुनो, हम लोग सीक्रेट मिशन पे जा रहे हैं, किसी को नहीं बताना, यहां तक कि परिवार वालों को भी नहीं बताना। मुझे 15 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना? घर का ख्याल रखना। ओके, ठीक है। ये लो पार्टनर, मेरा काम हो गया। ठीक है, सब लोग अपना अपना फोन दे दो। कमल भाई, जैकी और सुगुना, तुम लोग आ जाओ, मैं चलता हूं। Where is the car? What the hell? ये एक लगेज गाड़ी है। This is too much, yeah. Hey, नीचे उतर। एक्सेलरेटर से अपना पैर हटा। ऐसे इंसल्ट करोगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। तेरी मर्जी। भाई, आप गाड़ी चलाइए। अपना भी टाइम आएगा तब बताऊंगा कि मैं कौन हूं। कैसे भी उससे बात करना है, क्या करूं, क्या दिमाग लगाऊं? यस 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 यस, आइडिया। मैडम, बाहर बहुत धूप है, पसीने से भीग गया हूं, बॉडी स्प्रे है तो दीजिए। पेपर स्प्रे दूं क्या? आई लाइक योर एटीट्यूड। समझ ले कि पहले ही दिन बुरा सपना देखा, जब जरूरत होगी हम दे देंगे, अब चुपचाप बैठ जा। कमीना, ये हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा विलन बन रहा है, क्या करें इसके साथ। हेलो, श्रीरंग पट्टा तो हम लोग क्रॉस कर चुके। जाने दो। पर हमें तो वहीं जाना था ना? नहीं। तो फिर कहाँ? वीरप्पन को ढूंढने जंगल में। What the hell? No 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 no, you are a cheater. बॉर्डर के जंगलों में इस वक्त बहुत इश्यूज चल रहे हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। It's not safe. गाड़ी रोको। हेलो, इसे बोलो ना गाड़ी रोके।
देखो भागने की कोशिश मत करो। पर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था? मर्द एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, लेकिन औरत दोनों कानों से सुनकर मुंह से निकाल देती है। तुम किसी को बताना दो, इसलिए नहीं कहा। हम लोग सही समय पर पहुंच गए पार्टनर। अगर चेक पोस्ट पार कर जाएंगे तो समझ लो कि हमारा आधा काम हो गया। चेक पोस्ट ना भाई, चलो चलते हैं। चलो। क्या हुआ, बीज अटक गया क्या गले में? आ, वो तो है, दो दाना, ये देखो। धीरे धीरे रास्ते पे आ रही है, ऐसे ही मेंटेन करना है। मैं ही कर सकता भाई। क्या हो गया भाई? टायर पंचर हो गई है। हे, तुम लोग भी नीचे आ जाओ। पार्टनर, चेक पोस्ट यहां से थोड़ी ही दूर पर है। hey, इसमें गन्स हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पता चलेगा तो वो अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है सर, जाता हूं। तुम सब लोग आगे बढ़ो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूं। Hey, कौन हो तुम लोग, अंदर क्यों आ रहे हो? सर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और बर्ड्स पर रिसर्च करने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ। पार्क तो ऊपर है ना, फिर जंगल में क्यों आ रहे हो? सर, हम लोगों के पास परमिशन है जंगल में अंदर जाने के लिए। ऐसा है क्या? चलो पेपर दिखाओ। एक मिनट। हाँ सर। ओ, तो तुम पेपर वाली हो क्या? हाँ सर, एक न्यूज़पेपर के लिए काम करती हूँ। लेटर के हिसाब से तुम्हें 3 दिन की परमिशन मिलेगी, उसके बाद 1 दिन भी यहाँ नहीं रह सकते, समझे ना? रात होने को आई है, यहीं कहीं सो जाओ, ज्यादा अंदर मत जाना। क्या पार्टनर, इसीलिए सुगना को साथ में लेकर आए हो क्या? मैं रात के लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, मैं इसे दिखा कर आता हूँ। चलो भाई आ जाओ। चलो, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो 8 किलोमीटर पड़ेगा। हम तुम्हें भेज रहे हैं, तुम वहां से जल्दी वापस आ जाना, लेट नहीं करना। क्यों भाई, अगर तुम्हारी बीवी दूसरी शादी करेगी तो हमेशा वहीं पर रहेगी, ये मैं कह रहा हूँ। शंकर अपना ही लड़का है। ए, तू नीचे बैठ, जो भी इसे जरूरत हो दे देना। ठीक है सर। पैसे कम पड़ जाए तो वापस नहीं भेजना, मैं आकर पैसे दे दूंगा। ठीक है, ये लो 10,000 रुपए रख लो। ओके सर।
सिगरेट, शराब, खाना, जो भी इसे चाहिए दे देना। और सुन, तू इस दुकान को याद रखना। ये क्या है, किसकी आवाज है ये? अरे वो तो मोर है। यहाँ बाजू में पिकॉक हिल्स है ना, वहाँ बहुत सारे मोर हैं। कोई अनजान आदमी जंगल में पहली बार आता है तो वो लोग जान जाते हैं, इसीलिए वो चिल्लाने लगते हैं। इट्स फॉर यू। थैंक यू। वेलकम। गुड नाइट। वो क्या है पार्टनर? एंटीबायोटिक है भाई। लेकिन ये क्यों? हम जंगल में बीमार ना पड़ जाएं इसलिए। सब लोग सो गए हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हे, कौन है? कौन है वहां? सर क्या हुआ? सर पार्टनर क्या हुआ? हे, वो पायल की आवाज किसकी थी? वो क्या है सर, उसे पायल पेड़ कहते हैं। हवा चलने से उसमें पायल की आवाज आती है, उससे आप डर गए क्या? रात को पूरी खामोशी होती है, अगर इस गन की आवाज फॉरेस्ट ऑफिसर ने सुन लिया ना तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। ओके सॉरी। क्यों भाई, ब्रश नहीं करोगे क्या? पीने के लिए पानी नहीं है, ब्रश करने की बात कर रहे हैं? यहाँ तो एडवेंचर ही एडवेंचर है। नदी मिला तो पानी पियेंगे, खाने को कुछ मिला तो खाएंगे। अच्छा मजाक कर लेते हो। मैडम रात को अच्छे से सोई ना? तुम लोगों ने सोने कहा दिया? ए सिल्वा इधर आ। हाँ सर। सर हमें जाने वाला रास्ता बता इसमें से। जलगांव, औरंगाबाद, नासिक, नागपुर। यहाँ से हमें सेंटर पॉइंट में जाना है, ये सब पूरा करके फिर से हमें यहाँ वापस आना है, क्योंकि रास्ता भटकने का बहुत चांसेस है। अगर हमें अपना टेंट डालना है तो हम वो इस जगह पर कर सकते हैं। और अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है वेस्ट की तरफ। मैं हूँ पुलिस, तुम हो चोर, तुम सांभा हो तो कालिया। अरे सांभा, कितने आदमी थे? दो सरकार। और तुम? तीन सरकार। फिर भी वापस आ गए खाली हाथ? आपका नमक खाया है सरकार। तो अब गोली खाओ। अरे बाप रे, चलो चलो निकलो यहां से, चलो चलो जल्दी करो, आइए चलो जल्दी जल्दी, चलो आ जाओ। अरे ये मेरे हाथ में गन है। ए कौन है, कौन है वहां, किसने गन चलाई? ए किसी ने भी यहाँ पर कदम रखा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कहाँ पे छुप गए सब? भाई तू ऊपर देख, मैं इधर देखता हूँ। अरे जल्दी जा, क्या कर रहा है, जल्दी देख। अरे ठीक है देखता हूँ ना, क्यों चिल्ला रहे हो यार? अरे जाना जल्दी जा। कहाँ से आ गया? ए मणि तू दूसरी तरफ से जा। इसकी वजह से पागलों की तरफ भागना पड़ता है हमें। यहाँ से बाहर ना जाने पाए, ढूंढो उन्हें जल्दी। यहाँ खाली आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये तो आग जलाई हुई जगह लगती है, जरूर यहाँ कोई था। भाई टेंशन मत लो, ढूंढ लेंगे ना। चलो चलो, चिप्स, केले, ए पकड़, रात को पीने के काम में आएगा।
जल्दी चलो यहाँ से, फॉरेस्ट गार्ड कभी भी आ सकते हैं। भाई अपने पास शराब है क्या? ए, चुप कर और आगे बढ़। ज़्यादा ही बोल रहा है। सिल्वा, कौन लोग थे ये? अच्छा, वो लोग कौन है? वीरप्पन के खजाने को खोजने के लिए कई अमीर लोगों ने इन्हें रखा हुआ है। कोई भी नए लोग जंगल में आते हैं तो ये लोग उन्हें मारकर भगा देते हैं। मैं इन लोगों को अच्छे से जानता हूँ। हम लोग भी तो यहाँ वही खजाना ढूंढने आए हैं। सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, जा रहा हूँ मैं। तू पागल हो गया है क्या? हम लोग अभी जंगल के बीचों बीच हैं। तू अकेला वापस जा नहीं पाएगा। बेवकूफी मत कर यहाँ। ऑलरेडी हम लोगों पर अटैक हो चुका है। वो लोग आसपास ही कहीं छुपे होंगे। भाई मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। जा फिर। अच्छा है, जा। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे एडवेंचर की जरूरत नहीं है। सर, इस जंगल में अकेले जाना बहुत ही खतरनाक होता है, समझे ना सर। मैं जाकर उनको बुलाकर लाता हूँ। रात होने से पहले हमें अपने ठिकाने पर पहुंच जाना चाहिए। अभी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की है। लेट्स मूव। पार्टनर, लगता है वो हाफ टिकट वापस आ रहा है। कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना। तुम लोगों को बुरा लगेगा इसलिए मैं वापस आ गया। देखो एक हफ्ते का टाइम और है, उसके पहले मुझे मुंबई पहुंचना है भाई। जोकर कहीं का। क्यों भाई, गया तो था बाहुबली के जैसा और लौटते वक्त बिल्ली के जैसा आया, ऐसा क्यों? चुप करो यार, तुम्हें क्या पता वहाँ भालू से बच करके मैं कैसे आया हूँ। उधर जाओ तो उधर गोली चलती है, यहाँ आओ तो लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ ना। सही है, कर कर, मेंटेन कर। गुड नाइट। सिल्वा, 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 क्या हुआ पार्टनर? सिल्वा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कमल भाई फिर से गायब हो गया क्या? क्या बोल रहे हो तुम? सिल्वा दिख नहीं रहा। अरे वो इस जंगल के लिए नया नहीं है, यहीं के गया होगा। लेकिन इतनी रात को आखिर जाएगा कहाँ वो? कुछ पता नहीं भाई,
हर रात को वो गायब हो जाता है। सर सर मैं आ गया सर, आ गया सर, आ गया। कहाँ गया था मरने के लिए तू? इतनी रात में डर लग रहा है और तू ऑर्डर आ रहा है यार। सर अरे यार जंगल में थोड़ा एडवेंचर के लिए आए थे, हमें यहाँ घर बना के थोड़ी रहना है, तू डरा क्यों रहा है भाई? लेकिन आपके लिए एक जानकारी है सर। क्या? बकवास बंद कर अपना। वो ए, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? तुम इसे कुछ बोलने दोगे क्या? सलवा तुम बताओ। सर इस जंगल में जानवर इंसान की सुगंध सुनकर जगह का पता लगा लेते हैं, वो पहचान ना पाए इसलिए मैं पेशाब करने गया था। एक जानवर सुनकर जाएगा तो दूसरा जानवर नहीं आएगा, इसीलिए मैं इतनी दूर गया था। अब कोई भी जानवर यहाँ नहीं आएगा, अगर अपने सामने आ भी गया तो हम उससे बच सकते हैं, अगर वो जानवर पीछे से आ गया तो उससे बचना मुश्किल होगा, इसीलिए मैं गया था सर। इस जंगल में पीने का पानी ही नहीं है तो फिर आगे का काम कैसे होगा भाई? पानी नहीं हुआ तो क्या हुआ, पत्तियां तो है ना सर। आई लाइक योर जंगली एटीट्यूड, चल सो जाओ और सोने दे। ठीक है सर। कभी कभी वो पेड़ के पीछे भी छुपे हो सकते हैं। सही कहा। ठीक है चलो एक बार उन्हें ढूंढते हैं। सेल्वा सर यहाँ का पानी साफ नहीं है, मुझे नहाकर फ्रेश होना है, आसपास कोई नदी है तो ले चलो। नारायण सर ए निकालना, अरे पहले इसे निकालना। लेकिन सर निकालना, देख नहीं निकालेगा तो बहुत मारूंगा, निकाल। ठीक है सर निकालता हूँ, रुकिए इधर दे दे। सर जब उसे आपने तालाब में फेंक दिया। भालू का बच्चा। क्या हुआ सुगना? क्या हुआ? मैंने कहा था शहर की लड़की को मत लाओ। वो पानी दो। अब और नहीं होगा मुझसे। इसमें आग लगाऊं क्या सर? हाँ लगा। पार्टनर सुगना को सोए काफी देर हो गई, अभी तक वो नहीं उठी, जाकर देखो। ठीक है मैं जाकर देखता हूं। कमल भाई सुगना को बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। ओहो बुखार चढ़ गया क्या? यहाँ पास के ही गांव में मेरे पहचान के एक नाड़ी बैद वाले रहते हैं, चलो चलते हैं, मैडम को भी साथ लेकर चलते हैं। ए जेम्स टेंट को निकाल, जल्दी चलिए सर, कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। चलो मैं ठीक थी तो तुम मुझे गोद में उठाए थे, अब बीमार हूँ तो चलने बोल रहे हो। ए सिल्वा चल उठा इसे। मैं इसकी गोद में नहीं आऊंगी, तुम मुझे उठाओ। मैं भी हूँ मैडम, मैं उठाऊं क्या? ए हटो। ए, उतार भाई, अब तो थक गया होगा यार। ए जेम्स बॉटल इधर दे। आराम से पीना है, उठा ले चल।
आराम से। अरे धीरे चलो। लड़कियों को पानी पिलाने के लिए तू हमेशा आगे रहता है ना, फिर तुझे ही उसे उठाना चाहिए था। क्यों, हाइट प्रॉब्लम है क्या? राजा बड़ा हो या छोटा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ उसके हाथ ही उठाते हैं। कभी कभी उसमें राजा भी बदल जाता है, लेकिन हाथी कभी नहीं बदलता। ये वही जगह है सर। देख लिया, डरने की कोई बात नहीं है। मैं दवाई देता हूं। सुनो, इसे शहद में मिलाकर सारे शरीर पर लेप लगा दो और फिर सुला देना। लड़की को बुखार है, ये ठीक हो जाएगी। समझ गए ना? अब जाओ। ओ हनीमैन, जरा एक बोतल शहद लेके आ। ठीक है सर। हे, ये आवाज कैसी है? आज पूर्णिमा है ना सर, ये बगल वाले गांव के लोग वहां आग लगाकर एक साथ नाचते हैं। अगर आप लोग राजी हैं तो चलिए हम वहां चलते हैं। हम लोग यहां पर मजा करने के लिए नहीं आए हैं। ओके बॉस, अब हम लोग चलते हैं। पार्टनर, वहां जाएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वैसे भी रात हो चुकी है और अपना जाएगा भी क्या। सेल्वा कहाँ है? दिख नहीं रहा है। वो हमेशा ही गायब हो जाता है। कोई बात नहीं, वो हमें आगे आकर मिल लेगा। सेल्वा, सेल्वा, बहुत हो गया। दो मिनट में हो जाएगा। अरे बहुत हो गया, अब मैं और नहीं कर सकती। अब मैं और नहीं कर सकती। अब बहुत हो गया। मैंने कहा था ना कमल भाई, सब कुछ लॉरी ट्यूब में छुपा कर रखा होगा। बिल्कुल सही पार्टनर। क्या सिल्वा, बिना बोले ही सब कुछ आ गया? तेरा कोई प्लान तो नहीं चल रहा है? नहीं सर, रात को मैंने देखा था अगर यहाँ कुछ मिला तो आपको मैं बता दूंगा, ऐसा सोच रहा था। पर आप सब तो गहरी नींद में सो रहे थे, सोचा क्यों उठाऊं, मैं अकेला ही यहाँ आ गया। देखिए ना सर, यही सब मिला है। ये कौन है? ये तो पता चल गया, यही है क्या वो जो रात को छन छन करके घूमती रहती है, झुनझुनी वाली, मस्त है एकदम।
नहीं सर, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है सर। ये घंटी कैसी है? इस पर तो कुछ लिखा हुआ है। पार्टनर, जब जब पुलिस वीरप्पन को पकड़ने के लिए आती थी तो यही घंटी बजाकर वो सबको अलर्ट करता था। क्या सेल्वा, बहुत गहरा प्यार है क्या? नाम क्या है? क्या कहा? तुम्हारा नाम पूछ रही है। शिवगामी। ओए होए होए होए, देखो कैसे शर्मा रही है। बाहुबली की शिवगामी क्या? आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ जाने बिना ये लोग कैसे मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात के लिए परेशान हूँ, और वो है इस लड़की के एंट्री टाइम में कुछ ग्रह दोष हैं। ऐसा लग रहा है इसी की वजह से हमारी टीम बिखर जाएगी। मुझे तो आगे ऐसा लग रहा है कि पैसा मिलने वाला है। पैसा मिलते ही कमल भाई, आप यहां से चले जाना। मैं इन सबको रास्ता दिखाऊंगा और बाद में आपको ज्वाइन करूंगा। आगे की बात हम मुंबई में करेंगे। हेलो, हे, अरे, हेलो, जेम्स भाई, जाकर कुछ पीने के लिए लाना। अरे अकेले कैसे जाऊं सर? ठीक है सर, इसे पकड़िए। सुनो, वो महादेव का बेटा नारायण है ना? हाँ सर, वही है। बुलाओ उसे। जा रहा है, बुलाओ। ओ नारायण, इधर आ। आ गया सर। चोर कहीं का। ए, कहाँ जा रहा है तू? सर, वो बड़े पापा के लिए ताड़ी लेकर जा रहा था। पर तेरा घर तो पीछे की तरफ है, उधर किधर जा रहा है? सर, सिगरेट पीने के लिए होगा, और क्या। नहीं सर। इस उम्र में भी सिगरेट पीता है? अरे जब बाप ही सही नहीं था तो बेटा कहां से होगा। सुन मेरी बात, सीधे अपने घर पे जा। जाता हूं साहब। जा। देख रहे उसे, फिर जंगल की तरफ जा रहा है। हनुमंत, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सर, मुझे लग रहा है कोई खेल खेल रही है। हे, यहां। क्या हुआ सर? अब जा यहां से। कभी भी देखो उसके पीछे ही पड़ी रहती हो, क्या चल रहा है? किसकी बात कर रही हो तुम? अरे वही जिसका मुंह हमेशा जब देखो तब मुनि के जैसा मुंह ऐसा रहता है, उसी के बारे में पूछ रही हूँ। वो रफ टफ है इसलिए मुझे पसंद है। एंड ही इज जीनियस। क्या? उसके लुक्स और जिस एटीट्यूड से वो बात करता है ना, वाओ। वाओ, इसका क्या मतलब? इसका मतलब मैं उसे पसंद करती हूँ। हाँ, मैं भी करती हूँ। मैं सेल्वा को प्यार करती हूँ। सेल्वा, नाम से तो लगता है तू यहाँ का है, लेकिन जानकारी तुझे कुछ भी नहीं है। किसने आपसे कहा है सर कि मैं यहाँ का हूँ? मैं जब डॉगी स्क्वाड में था तब एसटीएफ के लोग मुझे सेल्वा सेल्वा कह के बुलाने लगे, फिर सब लोग मुझे सेल्वा ही कहने लगे। मेरा नाम सेल्वा नहीं है सर, छलवा है सर। मैं भी महाराष्ट्रियन ही हूँ सर। जेम्स नारायण, थोड़ा पानी देना पीने के लिए। ये लीजिए सर। बहुत भूख लग रही है यार, किसी के पास कुछ है क्या? समझ गया समझ गया, तुम्हारा दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। ये लो ब्रेड। तुम तोड़ तोड़ कर खाती हो तो कितनी अच्छी लगती हो। थैंक्स।
ओ बॉस, जैसा सोचा था वैसे ही हो रहा ना। पुलिस मिल गया, प्रेस रिपोर्टर मिल गई, मेहनत करने वाले लोग मिल गए, ये सब किया कैसे? इसमें क्या है? अगर हम सब अपना काम ईमानदारी से करें तो प्रकृति भी हमें मदद करेगी। इस दो लाइन के लिए मैं ये पूरी किताब क्यों पढूं? ले रख ले अपने पास। हे सेल्वा, हमें वहां तक लेकर चलो, चलो जल्दी। सर, आप जहां कहोगे मैं उधर लेकर जाऊंगा, लेकिन उधर तो बिल्कुल नहीं। उस समय का दृश्य देखकर आज भी सोचता हूं तो शरीर थरथर थरथर कांपता है सर। जब मैं डॉगी स्क्वाड में था तब वीरप्पन ने मेरे सामने चार लोगों की खोपड़ी उड़ा दी थी सर। वहां से भागकर आना बड़ी बात थी। उसने मुझे जाने दिया और एसटीएफ और ग्रामीणों को जाकर कहो कि वीरप्पन से पंगा लेगा तो क्या होगा जाकर बोल दो। इसीलिए मैं वापस आया सर, फिर वहां जाने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई। वीरप्पन को मरे 12 साल हो गए और तू आज भी इतना डरता है? आप कुछ भी कहो सर, मैं तो नहीं आऊंगा, मुझे जाने दीजिए, छोड़िए मुझे। ठीक है, चल कोई बात नहीं। बॉस, जरा होकर के आता हूँ। अरे तो ये मुझे क्यों बता रहा है, जा कर क्या, जल्दी जा। सर, जब मैं छोटा था ना तब मैं अपने पापा के साथ वीरप्पन को दवा देने के लिए जाता था। अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ सर। कौन सी जगह है जिसने मैंने अब तक नहीं देखी? वो बहुत लंबा सा सिंहासन था, ये वो ही जगह है। ओ बॉस, कार कहाँ खड़ी की है? तेरे पीछे देख। इधर कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ घास फूस है। क्या पार्टनर, तुम तो बहुत चालाक निकले, ये सब कुछ तुमने कब किया? वही ना भाई, चोर और पुलिस के बीच का यही तो फर्क है। बारिश रुकने के बाद भी बारिश का मजा आ रहा है। हे, बहुत हो गया, जीप लगा कर निकल ले, नहीं तो पता है ना भालू आ जाएगा। सर जल्दी भागो भागो भागो, गाड़ी छुपाओ जल्दी। ए नारायण, ये सेलवा ऐसे क्यों भाग रहा? फॉरेस्ट वाले आ रहे होंगे सर। थोड़ा हाथ में पानी डाल। अरे जल्दी आओ ना तुम लोग। चलिए चलिए जल्दी।
भविष्य में भी तुम मेरा ऐसा ख्याल रखोगे? क्या हुआ भाई? गाड़ी फंस गई है। सब लोग नीचे उतरो और गाड़ी को धक्का लगाओ। भाई तुम गाड़ी स्टार्ट करो, हम लोग धक्का मारते हैं। चलो मारो धक्का 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 मारो। हे जैकी, हम धक्का मार रहे हैं, तू जाकर पत्थर लेकर आ। ये पत्थर चलेगा क्या? अरे पूरा फैशन बिगाड़ दिया तूने मेरा। तुम सबको सबक सिखाऊंगा मैं, मिलने दो मौका, एक एक को बताऊंगा। कपड़े खराब कर दिए। तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, दूर होकर जाकर बैठो। डोंट ट्रबल द ट्रबल, इफ यू ट्रबल द ट्रबल, ट्रबल ट्रबल्स यू। आई एम नॉट द ट्रबल, आई एम द ट्रूथ। संभल का सर, बहुत गहरा है, डूब सकते हो। अरे आजा आजा, बहुत देखे मैंने ऐसे गड्ढे गुड्ढे। यहाँ पर एक गुफा है सर, वो अक्सर यहाँ आया करते थे। ठीक है चलो चलते हैं। सुगना तुम यहाँ पर बैठ जाओ। चलवा सर, यहाँ पर कुछ है, जरा इधर आ। तो कोई रेडियो है, ये ले रख ले। सर ये तो जड़ है और कुछ भी नहीं है सर। ठीक है चलो। लगता है वीरप्पन इसी से न्यूज सुना करता था। यही है ना कैंपर आज? तू बहुत बड़ा कमीना है। सिल्वा, इस जगह के अलावा भी वीरप्पन कहीं जाता था क्या? नहीं सर, पहले हम लोग देख ही चुके हैं ना कि वो औरंगाबाद, नागपुर, जलगांव सब जगह हम लोगों ने ढूंढ लिया, लेकिन वहां में कुछ भी नहीं मिला सर। पार्टनर ये जो कह रहा है वो सही लग रहा है। एक हफ्ते का टाइम दिया था, कितने हफ्ते हो चुके हैं पता है ना? अब मैं एक दिन नहीं रुकूंगा। आफ्टर ऑल अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, जिसे चलना है मेरे साथ चल सकता है। हाँ ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, एक बार इस लड़की के पैर को देखो कैसे सूज गया है। दो दिन और ऐसे ही रहा तो इसका पैर काटना पड़ेगा। एक तो हमारे गांव वालों ने हमारे प्यार को माना नहीं सर, जंगल में अकेली रहेगी तो लोग क्या सोचेंगे सर। हम लोग तो साथ में आपके चलते हैं, आप जो काम कहेंगे हम वही कर लेंगे सर। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जंगल में कभी मत जाना, तेरे पापा भी ऐसे ही जंगल में गए, गायब हो गए। मेरी माँ अकेली पता नहीं कैसे रह रही होगी। हाँ पार्टनर, हमने इस जंगल में चारों तरफ ढूंढ लिया, एक भी जगह नहीं छोड़ा। अब तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लगता है हमारे नसीब में वो पैसे नहीं हैं। अब जो मैं कहता हूँ वो सुनो, अब उन पैसों के विचार छोड़ दो। भाई आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं,
मैंने आज तक किसी भी ऑपरेशन में हार नहीं मानी और इसमें भी हार नहीं मानूंगा। तुम तो बहुत जिद्दी हो, तुम्हें मैं नहीं समझा सकता। तुम तो इतने होशियार हो, कुछ भी करके पैसे कमा सकते हो। यहां से वापस चलते हैं प्लीज। तुम लोग इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। ए सिल्वा, तूने उस दिन जो पहाड़ दिखाया था तो उसके बारे में और क्या क्या जानता है? वो क्या है सर? वो पहाड़ अच्छा नहीं है, उस पर एक राक्षस रहता है। ऐसा कहते हैं सर, सब लोग उधर जाने से बहुत डरते हैं। ऐसा कहते हैं सर कि उस राक्षस से बचने के लिए लोगों ने मघेश्वर स्वामी को बुलाया था सर। मघेश्वर स्वामी ने आकर उस राक्षस को मारा और पूरे जंगल को बचाया सर। मघेश्वर स्वामी के पैरों के निशान भी हैं सर। उस पैरों के निशान को बड़ा पुण्य मानते हैं सर। यस, यही तो वो जगह है। पैरों के निशान की बात तो बिल्कुल सच है। लोग कहते हैं कि उस जगह पर मघेश्वर स्वामी की आत्मा है। मुझे नहीं लगता उस जगह पर जाना हमारे लिए ठीक होगा। एक बार हमें पैसा मिल जाएगा तो हम मंदिर जाके माफी मांग लेंगे। चलो भाई। सुगना, तुम नहीं चल पाओगी, इसीलिए तुम यहीं रहो। तुम्हारे साथ शिवगामी और नारायण रुकेंगे, बाकी सब लोग मेरे साथ आ जाओ। यही है सर वो जगह। संभलना सर, गड्ढा हो सकता है, कांटे भी हैं। हाँ हाँ ठीक है। अभी किसी ने यहां पर पूजा की है। आइए आइए। ए स्वामी, हमारी रक्षा करना स्वामी। सर, इसी जगह पर अक्सर वो आया करते थे। ऐसा क्या? सब लोग अलग अलग जगह पर जाओ। सिल्वा, कमल भाई, ए जैकी, इधर आओ, चलो चलते हैं। क्यों पार्टनर?
मुझे लगता है कि यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां से चलते हैं। क्या भाई, यहां पर हमें कुछ भी नहीं मिला। मैंने तो पहले ही कहा था। जैकी, हे जैकी, हे जैकी, अरे जल्दी आओ बॉस, जल्दी आओ, मिल गया। भाई, वो 20 से 30 फीट नीचे चला गया है। ए सिल्वा, हाँ, जरा रस्सी दे। तू इधर ही खड़ा रहे और रस्सी कसकर पकड़े रहना। मैं और कमल भाई अंदर जा रहे हैं। तुम लोग 3 महीने से ढूंढ रहे थे, लेकिन आखिर ढूंढा मैंने ही ना। अब पता चल गया ना मैं कौन हूँ। बहुत बड़ी चीज हूँ मैं, याद रखना, समझे? अच्छा सुनो भाई, आकर मेरी मदद करो। ए, क्या मदद करूँ मैं तेरी है? खजाना तुझे चाहिए तो ही ले ले। मैं एडवेंचर के लिए आया था, वो मेरा सक्सेस हो गया। मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ। इसीलिए तो लोग कहते हैं एक बेवकूफ सबको बर्बाद कर देता है। सेल्वा, रस्सी खींच। भाई, सब काम पूरा हो गया। वहां से हवा आ रही है, शायद वहां से रास्ता होगा। सही, आओ चलो। सेल्वा, सेल्वा, सर, वैसे आ जाओ, वैसे ही आ जाओ सर। सुनो, वो लोग आ रहे हैं।
क्या मैं इसे देख सकती हूँ? हे भगवान, इतना सारा पैसा! इसमें से जितना चाहिए ले लो और देखना छोड़ो। हे जेम्स नारायण, आज जा नहीं पाएंगे, बारिश होने वाली है। जाओ जाकर कुछ पीने के लिए ले आओ। हे जैकी। हाँ बोलो बॉस। इन बैग्स पर नजर रखना। आज तो वापस जाएंगे ना बॉस? अभी तक सोचा नहीं। वो देखिए सर, नारायण उस दिन के बाद आज देख रहा है। मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रहा है सर। ठीक है तुम गाड़ी रोकना मत, धीरे धीरे चलाते रहो। पैर में घाव है तो इतना मेकअप कर रही है, अगर पैर ठीक होता तो पता नहीं ये कितना मेकअप करती। एक बात जान लो पार्टनर, देख लेना ये लड़की तुम्हें बीच में ही छोड़कर चली जाएगी। सुनो, एक मिनट के लिए इधर आओ। सुनो ना, मैं घर जाके आऊँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। ठीक है, संभल कर जाना। ठीक है जी। सर सर। क्यों भाई, क्या बात है? मुझे लग रहा है फॉरेस्ट ऑफिसर मेरा पीछा कर रहा है सर, मैं इसीलिए भाग कर आ गया। बस इतनी सी बात है? अरे बेवकूफ, अगर तू भाग कर आएगा तो उन लोगों को तेरे ऊपर शक होगा। आइंदा ऐसा मत करना। ठीक है सर। अगर कुछ भी पूछे तो कोई बहाना कर देना। सर पिछली बार जब मैं शराब लाने गया था यही ऑफिसर मिला था, तब मैं बड़े पापा के लिए ताड़ी लेने जा रहा हूँ ये कहा था। इस बार तो ये ऑफिसर मेरे पीछे ही पड़ गया, उसने कुछ पूछा भी नहीं। अरे कमीने, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? पता है तूने कितनी बड़ी गलती कर दी? सर मुझसे गलती। कमल भाई रुको, वो कह रहा है ना कि वो लोग सिर्फ देख कर चले गए हैं, आप फिजूल में क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? पार्टनर, डिपार्टमेंट के बारे में तुम नहीं जानते हो। पहले वो छोड़ते हैं उसके बाद पकड़ते हैं, क्या समझे? वो छोड़ते हैं पकड़ने के लिए, अब हमारे लिए जगह सेफ नहीं है। चलो यहाँ से टेंट निकालो, जल्दी करो। या ऊपर वाले, वो पुलिस वाला क्या कह रहा है खुद भी नहीं जानता, दया करके उसे माफ कर देना। ओम यीशु क्रिस्ताय नमः, हालेलुया। बस एक बार अपने घर वापस पहुंच जाऊं, फिर वीजा बना के फौरन जाकर सेटल हो जाऊंगी। बहुत स्ट्रगल कर लिया यार। और मैं तो 20 गायें खरीदूंगा। मैं शहर जाकर बहुत बड़ा मधु का छत्ता लगाऊंगा। सुपर। अरे भाई लोग, तुम लोग कितना मरते हो पैसे के ऊपर है, ये बात ठीक नहीं है समझो। अगले 3 दिनों तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों अलर्ट हो गए होंगे। अब हमारा पकड़े जाने का पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जानते हो, वो है सिर्फ नारायण। और अगर वो रास्ता हम बंद कर दें तो? इसमें थोड़ा रिस्क है पार्टनर, अगर इन लोगों को पता चलेगा तो ये डर जाएंगे। हम बाद में ट्राई कर लेंगे। आपको किसी तरह तो ये हैंडल करना ही पड़ेगा, लेकिन ज्यादा शराब मत पी लीजिएगा, अगर चूक हुई तो परेशानी बढ़ जाएगी। आपकी ये गलती की वजह से 2 परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हे नारायण, अरे नारायण भाई, मेरे पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रहा है, चलना हम लोग उधर जाकर आते हैं। चल भाई चल, आजा।
चलो। क्या सर, मुझे नींद आ रही है। सेलवा ने तुम्हें नहीं बताया था क्या, हमें कुछ पाने के लिए अपने एरिया से बाहर जाना चाहिए, तभी तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे सर, इतना अंधेरा है, आप कहीं भी बैठ सकते थे ना। अरे भाई चलना, चल। ठीक है सर, चलिए, मैं यहीं पर बैठता हूँ, आप उधर होकर आ जाइए। कन्फर्म, मर गया कमीना। क्या काम पूरा हो गया कमल भाई? सर सर, यहाँ पर कोई आवाज सुनाई दे रही है। चलो चलो, कम ऑन, क्विक क्विक, जल्दी। नारायण है सर। हे नारायण, हे नारायण, नारायण क्या हो गया? नारायण उठ, हे उठ, उठ, हे। अरे दर्द हो रहा है, क्या हुआ तुम्हें? नारायण उठ, उठाओ इसे, उठाओ, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। उठाओ सर, बहुत वजन है इसका। सर ये तो मर गया सर। अरे वो नारायण नहीं दिख रहा है मुझे। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं, वो उसी को देखने गया है। और शिवगामी? क्या कहा? शिवगामी भी नहीं है। वो अपने घर गई है सर। हम लोग दो दिन तक यहाँ रहने वाले हैं, वो ही बताने के लिए गई है। मैंने कहा था ना, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों भेजा उसे? जब से यहाँ आया हूँ तब से तुम्हारा नाटक देख रहा हूँ। पुलिस वाले हो इसलिए इज्जत करता हूँ, बहुत देर से नाटक कर रहे हो। जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी अधिकार है। जब जेम जा सकता है तो शुगामी क्यों नहीं जा सकती? कमीने, अब अगर तूने कुछ भी बोला ना, एनकाउंटर करके मार दूंगा। छोड़ो छोड़ो भाई, क्या कर रहे हो आप? ठीक है सर, शुगामी आएगी बोलकर गई है, मैं उसे जाकर लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना बॉस। सर वो शिवगामी है, जाओ पकड़ो उसे। वही है ना शिवगामी? हेलो भाई, इतना गुस्सा क्यों करते हो आप? मैंने आपके लिए भी एक प्लान बनाया है। देखो मेरी बात सुनो, यहां कोई भी नहीं है अभी, आप दो बैग लेकर भाग जाना, मैं कैसे भी करके यहां मैनेज कर लूंगा। हम सब लोग मिलकर जाएंगे ना पार्टनर। बारिश आ रही है, रुकते ही आप निकल जाना, इन लोगों को मैं देख लूंगा। ओके पार्टनर। शिवगामी तुम्ही हो? हाँ साहब। देखो नारायण ने हमें सब बता दिया है, ईमानदारी से सब कुछ बता दो तो ठीक है, नहीं तो। ये लो पकड़िए। ए क्या कर रहा है? मैं बात कर रहा हूँ ना। तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग हैं? सेल्वा और तीन लोग हैं, और एक आदमी है पुलिस वाला है, और एक जवान लड़की है, वो किसी पेपर में काम करती है। और उनका लीडर कौन है? एक आदमी है, उसका नाम है पार्टनर कहते हैं। पार्टनर? क्या कहा? पार्टनर? वो पुलिस वाला तो उसे हमेशा पार्टनर कहता है। मैं निकलता हूँ पार्टनर। वो लोग यहाँ किस लिए आए? मुझे तो पता नहीं, वो लोग कुछ खोजने के लिए आए हैं। अरे बोल सीधा सीधा। बता दे, चंदन के लिए, हाथी दांत के लिए या शेर के चमड़े के लिए? सही में साहब, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे छोड़ दीजिए साहब। उनके पास हथियार थे? कमल भाई। हाँ। पार्टनर। अरे मैंने कितना कहा था गोली मत चलाओ, लेकिन ये मानता नहीं है। ओह माय गॉड, हनुमंत कंडीशन क्रिटिकल लग रही है, मैं उधर देख कर आता हूँ। ओके सर। सर कितनी बार कहूंगा कि गोली मत चलाया करो। ए
उधर देख। कमीना कहीं का, हमें ये धोखा देना चाहता था। जेम्स नारायण को मारने के बाद तुम दोनों को भी मार डालेगा ऐसा कह रहा था। मैंने समझाया तो देखो क्या किया, मुझ पर ही हमला कर दिया। अरे वो नारायण नहीं दिख रहा है? उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, उसी को देखने गया है। और कुछ नहीं। तो इस बॉडी को ले जाकर साइड में फेंक कर आओ। सर आपने शूट किया है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मैं इसकी बॉडी को डालकर शिवगामी को लेकर आता हूँ, तब तक आप टेंट निकाल कर रखना, हमें दूसरी जगह जाना होगा। चल सीधे, अगर भागा तो भेजा उड़ा दूंगा। चल, हमें सब पता है। चल ऊपर, चल बैठ यहाँ पे, बैठ, बैठ, बैठ। कमीना कहीं का, अगर सब कुछ बका तो ही यहाँ से जा सकता है, नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। आई बात समझ में? ए सलवा, तू उधर जाकर उन लोगों से कह दे कि शिवगामी हमें नहीं मिली और उन लोगों को वहां से भागना नहीं चाहिए। हम लोग आधी रात को वहां पर अटैक करेंगे। ये वहां आ जाएगी, उसके आते ही टॉर्च लेकर तुम हमें सिग्नल देना, जिसे देखकर हम दोनों वहीं पर खड़े रहेंगे। और सुन लो, अगर ये ज्यादा होशियारी करे तो दोनों को ही उड़ा देना। आई बात समझ में? अब जाओ, जाना। सर शिवगामी वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी। तू जाए यहां से। सुनिए जी, मैंने जैसा कहा वैसा ही तू करेगी। शिवगामी मिली क्या? मैंने क्यों, क्या हुआ? मैंने उसे ढूंढा बहुत, मुझे लगता है वो कल आएगी। सर चलो चलते हैं, तुमने ही कहा था ना यहाँ बहुत खतरा है, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, सारा सामान पैक है। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम लोग कल सुबह ही जाएंगे सर, यहाँ से 5 किलोमीटर तक कोई फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं है। तो यहाँ कोई खतरा नहीं है? नहीं सर। फिर इतना टेंशन क्यों ले रहा है? मुझे शिवगामी की फिक्र हो रही है सर। फिक्र मत कर, वो आ जाएगी, आने के बाद उसे कभी मत छोड़ना। अब चल खाना खाते हैं। आप लोग खा लीजिए सर, मुझे भूख नहीं लगी। सेल्वा बताओ क्या हुआ, बोलो ना। हे सेल्वा, ये ले, कितने दिनों तक एक ही टी शर्ट पहने रहेगा, ले चेंज कर ले। राक्षसों की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो? कल उस जेम्स नारायण को कुछ हो गया था और आज कमल, उसके बाद सेल्वा और उसके बाद मैं टारगेट रहूंगी क्या? ऐसा करो मुझे अभी मार दो। तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मैं जो भी करता हूँ अपनी भलाई के लिए करता हूँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। देखो मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उन लोगों की वजह से ही हमें ये पैसे मिले हैं। यू आर अ चीटर। हाँ, हाँ बिल्कुल, लेकिन न्याय धर्म के साथ चलोगी तो तुम जैसा जीना चाहती हो वैसा कभी नहीं जी सकती। युद्ध में दुश्मनों को मारना ही धर्म होता है। यहाँ आने से पहले मेरे इस प्लान के बारे में किसी को भी नहीं पता था,
यहां तक कि तुम्हें भी। अगर हमने इस प्लान के बारे में पहले ही पुलिस को बता दिया होता तो हम सारे पकड़े गए होते। हाँ, उनमें से कोई भी जीने लायक था ही नहीं, समझी? और ना ही वो इस काबिल थे। और इसीलिए सिल्वा आज मेरे साथ कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। मुझे लगता है कि वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त दो, एक बार मैं मुंबई पहुंच जाऊं, मैं अपना पासपोर्ट और वीजा लगवाकर फौरन चला जाऊंगा। और एक हफ्ते बाद तुम्हारे लिए भी पासपोर्ट और वीजा अरेंज कर दूंगा। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुमने गुनाह करने का सोचा ही है तो तुम्हारे ऊपर कितने केसेस लगेंगे ये नहीं सोचना चाहिए। बस बहुत हुआ, कम से कम सेल्वा को तो छोड़ दो जब तक हम इस जंगल से बाहर नहीं जाते। ठीक है। ओह माय गॉड, क्या हुआ, क्या देखा बाहर? मैंने कहा था ना, सिल्वा हमसे कुछ छुपा रहा है। बाहर देखो। ओह नो, पुलिस है। एक काम करते हैं, तुम यहां से दो बैग्स उठाओ और निकल जाओ। जाने वाले रास्ते में पेड़ के 3 फीट ऊपर मैंने मार्क किया है, उसके नजदीक जाकर टॉर्च से देखना, तुम्हें दिखाई देगा। हाँ। तुम निकलो अभी, कम ऑन जाओ, ये लो। शिवगामी, कहाँ गई थी तुम, अभी आ रही हो? ओह, ये क्या हुआ? बेचारे पर हम ही ने गोली चला दी। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ और पुलिस कंट्रोल रूम को मैसेज भेजो, हम इन लोगों का पीछा कर रहे हैं। और सुनो सुभाष, रामलाल तुम लोग उधर जाओ, और गोपाल तुम मेरे साथ आओ। यस सर, इस जंगल से कोई भी बाहर ना जाने पाए। कम ऑन क्विक, जल्दी। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम, मंगला फॉरेस्ट रेंज में एक एम्बुलेंस भेजिए और चारों ओर नाकाबंदी लगा दीजिए, कुछ अनजान लोग जंगल के अंदर घुसे हैं। नहीं प्लीज, चल पाऊंगी। प्लीज, थोड़ी दूर और है, ट्राई करो। एक बार हम यहां से बाहर निकल गए तो हमें पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। कल जब जेम्स नारायण और कवल भाई की बॉडी मिलेगी तो पुलिस को लगेगा कि हमने ही उन्हें मारा है। इस समय तक तो जैकी का भी काम हो गया होगा। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, तुम आगे चलो, चलो। क्या हो गया इसे? सुगना, सुगना। ओह, कमल भाई ने पहले ही कहा था तुम मुझे आधे रास्ते में छोड़ दोगी।
टॉर्च की रोशनी इधर डालना सर। ओहो, ये आजकल के यूथ्स को क्या हो गया है। छे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, वो कहीं आसपास ही होगा, जंगल से भाग कर ना जाने पाए। ढूंढो उसे, जल्दी ढूंढो। ओके सर, कम ऑन क्विक मूव। कम ऑन जल्दी जल्दी, रामलाल उस तरफ जाओ। ओके सर, ओके, तुम लोग इस तरफ आओ। जी सर। हेलो, हमने जो नंबर भेजा था वो गाड़ी आ गई क्या? हाँ, मैं उसका ही काम कर रहा हूँ। क्यों बार बार फोन कर रहे हो भाई? मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, तेरा कमीशन तुझे मिल जाएगा। अगर कस्टमर को पता चला ना तो मेरा काम हो जाएगा। भाई, हमको तुम पर शक नहीं है, हमको तो कस्टमर पर शक है। पिछली बार उसने हमारे साथ धोखा किया था, उससे ज्यादा पैसा लेना। वो शहर की गाड़ी है, उससे कुछ ज्यादा ही लेना। फोन कट करो यार, काम करने दो पहले। सर चेंज नहीं, रख लो। कौन हो तुम? क्या बीमारी है तुम्हें? एक बुलेट निकालकर बैंडेज बांधना है। अगर आवाज किया ना तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। खाना खाने की जगह बुलेट खाना पड़ेगा। गन निकाल कर रख दिया है ना, अब हाथ क्यों कांप रहे हैं तेरे? वो क्या है सर, शहर में रह के मैंने 2 साल कंपाउंडरी का काम किया है। यहाँ आकर क्लिनिक खोलकर सर दर्द बदन दर्द की गोली देकर ऐसे ही मेंटेन कर रहा हूँ। मुझे ये बुलेट निकालनी नहीं आती है। ओह, तुझे तो सर्टिफिकेट देना चाहिए। मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। जा, सर्जिकल स्कैल्प, एनेस्थीसिया और सीजर्स, वो सब लेकर आ। ये सब क्या है सर? थू है तेरी जिंदगी पर। जा जाकर कैची लेके आ। सर, आप इतना पैसा दे रहे हो? मैं यहां नहीं आया और तूने मुझे ट्रीट नहीं किया। Thank you.
आप हैं? कहाँ चले गए थे इतने दिनों तक? ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया था। तुम्हारे पैर में क्या हुआ? बाइक से गिर गया था। तुम्हारे लिए एक कुरियर आया है, देखो क्या है इसमें। हाँ, अरे वो तुम्हारा दूसरा साथी नहीं दिख रहा, उसने खाली कर दिया है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, भाड़ा भर देना। क्या हुआ सर, बहुत दिन बाद आए, तबीयत खराब थी क्या? नहीं सर, कुछ काम था इसलिए बैंगलोर गया था। बिल कितना हुआ? 190। ये लीजिए। ये दूसरा दीजिए सर। सर सर ये नहीं चलेगा सर। सर इसे बंद हुए 1.5 महीने हो गए हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं? क्या सर, आप भी न्यूज नहीं देखते क्या? आप मुंबई गए थे या रेगिस्तान में? हाँ सर, मैं भूल गया था। सॉरी सर, मैं आपको बाद में पे कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है सर, चलेगा। मैंने पेट्रोल पंप में तो पैसे दिए थे, उसने तो चुपचाप ले लिया, लेकिन इसने क्यों नहीं लिया? क्लिनिक वाले ने भी ले लिया था, इसका मतलब जो कार में लिखा था उसका मतलब यही था क्या? यस सर, वेलकम टू द स्पेशल प्रोग्राम। पैसों में कोई डाउट नहीं होता, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो हम मिस्टर विजय राजेश और श्रीनिवास के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सब लोग बोल रहे हैं कि आज बैंक सुबह 6 बजे खुलकर 3 बजे बंद हो गया था। मुझे लगता है कि सुबह 4000 लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो 2000 का नोट मिलता है। लोगों का कहना है कि बैंक के पास 2000 नोटों की सप्लाई बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक कि 100 रुपए के नोट भी बैंक के पास देने के लिए खत्म हो चुके हैं, और फिर 50 रुपए का नोट भी इस समय बैंक के पास देने के लिए नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये नोटबंदी का क्या असर है लोगों के ऊपर, ये अच्छा है या बुरा है? देखिए, गवर्नमेंट का जो भी फैसला है वो जनता की भलाई के लिए है। आखिर सरकार ने कुछ सोचकर ही ये सब किया होगा ना। देखिए, पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, टैक्स कम होगा, फैसिलिटीज बढ़ेंगी, जीएसटी के द्वारा एक ही टैक्स पूरे देश में लागू होगा, तो ये सारी चीजें तो अच्छी ही है ना। ये तो बहुत खुशी की बात है, इससे अमीर और गरीब में फर्क मिटेगा और सभी बराबर। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट
अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। भाई ये देखो मेरे गांव से आने तक कितनी बड़ी घटना घट गई। अब क्या होगा पता नहीं। 20 करोड़ रुपए है मेरे पास, अब तुम्हें कुछ करना होगा। अरे भाई आप फिक्र मत करो, हमारे पास आदमी है, एक्सचेंज करने के लिए 60-40 लगेगा, यानी 60% तुम्हारा और 40% उसका, और आपके 60 में से 10% मैं लूंगा। बहुत होशियार आदमी है वो, बैंक से डायरेक्ट कनेक्शन है उसका, यहीं पे रहता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओके, उसका फोन नंबर दो। अरे आप फोन करोगे तो नहीं उठाएगा भाई, रुको मैं ही कॉल करता हूँ उसे। हेलो सलीम भाई। हाँ मेरे पास एक कस्टमर है, काफी पैसे वाला है, ये लो बात कर लो उससे। लो बात करो। सुनो ये आदमी तुम्हारे ऑफिस में काम करता है? हाँ लेकिन ये इस समय छुट्टी पर गया हुआ है। क्या बोल कर गया है? 10 दिन की छुट्टी लेकर के ट्रैकिंग पर गया हुआ था ये, लेकिन 3 महीने हो गए अभी तक वापस नहीं आया। हमने बहुत सारे नोटिस भेजे लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला है। ओके कुछ और इंक्वायरी करनी होगी तो मैं फिर आऊंगा। श्योर सर, ऑलवेज वेलकम। हेलो कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम, होटल वेस्ट फोर्ट में ब्लैक मनी एक्सचेंज हो रही है। सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है। भाई आप पर मुझे पूरा भरोसा है, हम अब पूरे पैसों की डील करेंगे। आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपको लोकेशन भेजता हूं। तेरे पति से मैंने कहा था कि मत जा, लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। अभी तुम लोगों का कौन ख्याल रखेगा? वैसे मैं एक काम कर सकता हूं, तुम्हें जॉब दिलवाने के लिए मैं कोशिश कर सकता हूं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। वो कौन है सर? अरे वही अपना जो कांस्टेबल राजू मर गया ना, उसी की बीवी है बेचारी। अच्छा सर वो क्रिमिनल्स फाइल चेक किया आपने? हाँ चेक तो कर ली है लेकिन बेकार है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओ ऐसा क्या? हमने कुछ इन्वेस्टिगेट किया है सर, उसका सारा केस डिटेल इसके अंदर है। ये केस मैं आपको हैंडल करना चाहता हूँ सर। दे दो दे दो। प्रेस रिपोर्टर बताकर जंगल में जाने की परमिशन ली है, तुमने इन्वेस्टिगेट किए बिना अंदर कैसे जाने दिया? वो क्या है सर, इसी साल उसने जर्नलिज्म पूरा किया था और इंटर्न में काम कर रही थी, कावेरी इश्यू पर एक आर्टिकल तैयार करने को कहा था, तब से वो गई है और अभी तक वापस नहीं लौटी। अब बताइए सर मुझे उसकी मौत का आर्टिकल लिखना पड़ रहा है। सर आप किसी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर से ये मत कहिएगा कि वो हमारी प्रेस रिपोर्टर थी। अच्छा इस सुगना का कोई फ्रेंड है क्या? हाँ सर वो भावना नाम की एक फ्रेंड है उसकी। अमर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट से उसकी पहचान हुई थी, वो उस आदमी के साथ कोई सीक्रेट टास्क करने जा रही थी ऐसा कहा था, और कुछ नहीं। उसके बाद तुम्हारे पास उसकी कोई कॉल आई थी?
एक महीना पहले उसका कॉल आया था, वो मुझसे कुछ पूछना चाहती थी। कॉल कट गया तो मैंने फोन लगाया तो नॉट रीचेबल आया, वही लास्ट कॉल थी। हेलो, या स्पीकिंग। हेलो सर, कुदाली जंगल में जैकेट पहने हुए एक आदमी को पकड़ा है मैंने। क्या कहा? हाँ सर। मेरे आने तक उसे छोड़ा नहीं, मैं आ रहा हूँ। अमर भाई, कैसे हो? ठीक हूँ, आ जाइए। पैसा कहाँ है? अंदर है। जल्दी जल्दी पैसे उठा लो, नहीं तो पुलिस को पता चल जाएगा। हमने सुना है यहाँ की पुलिस बहुत स्ट्रांग है। अरे भाई, पैसे कहाँ लेके जा रहे हो? अमर भाई, मजाक कर रहे हो क्या? एक्सचेंज नहीं करना है? नहीं क्या? नहीं, पहले मेरा शेयर देकर बाद में लेकर जाओ। अरे भाई, ऐसा कहीं होता है क्या? कौन व्हाइट देकर ब्लैक लेकर जाता है? मजाक कर रहे हो क्या? हे, कूल डाउन, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो भाई? हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है, पैसा अरेंज करके हम आते हैं। गुस्सा मत करो यार, गन अंदर रखो, हम अभी जा रहे हैं, ठीक है? कमीना, मुझे गन दिखाता है। हम लोग तो गन हाथ में पकड़कर पैदा हुए हैं, उसे पता नहीं कि वो किसके साथ खेल रहा है। अरे भाई, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो तो अकेला ही है ना, तुम एक बार बोलो तो उसे अब भी उड़ा देते। अच्छा, तुमने सही कहा। जावेद, तुम जाकर घर का फ्यूज निकालो। वापस पहुंच जाऊं, फिर वीजा बना के फौरन जाकर सेटल हो जाऊंगी। और मैं तो 20 गायें खरीदूंगा। मैं शहर जाकर बहुत बड़ा मधु का छत्ता लगाऊंगा। सब मेरा है, ये सब मेरा है। अभी बता दे क्या हुआ था, अगर सच बोला तो तू बचेगा, वैसे ऑफिसर्स की निगाहों में तू मर चुका है, वही सच करना पड़ेगा मुझे। सर, वो सीसीटीवी वाला चोर है सर, उसे आपके डिपार्टमेंट का कैंपर आज भी सपोर्ट कर रहा था, उसके साथ अमर मिलकर के सबको धोखा दे रहे थे। ये पीछे क्या लड़का है, निकाल टोपी, जंगली कहीं का काउबॉय बना घूमता है, निकाल। फाइल दो मुझे। ये लीजिए सर। अक्यूज्ड नंबर 1 मर गया, अभी इस केस में कोई दम नहीं है, इस फाइल को क्लोज करके एक नया एफआईआर लेटर लिखवा लो। ओके सर। अरे सुनो नंदू, इसे कस्टडी में लेकर इंक्वायरी करो। ओके सर। भाई साहब, एक ही दिन तो बचा है, हमारा पैसा एक्सचेंज करके कब दोगे? वो सब मुझे पता नहीं है, अभी सब बैंक मैनेजर्स का इंक्वायरी चल रहा है, घर पे रेड पड़ रही है, मुझे आइंदा कॉल मत करना। क्या पागल हो गया है क्या तू? अगर ऐसा है तो मेरा 10 करोड़ का कमीशन वापस कर। अबे तू कौन है, मैं नहीं जानता, चल फोन रख। क्या कमीना। भाई, बैंक मैनेजर को मैंने उड़ा दिया, मरने दो उन कमीनों को। अबे जल्दी भाग, पुलिस आई है।